भारत जोड़ो न्याय यात्रा रे राहुल को राउरकेला रोड शो रिंग रोड रे कार और ट्रक मध्य दुर्घटना अल्प के बर्तिले कार थिबा व्यक्ति न्यू इंडिया संस्था पक्षरु बाउंसो कारीगर को प्रशिक्षण सीआईटीयू पक्षरु आसंता 16 तारीख रे देशव्यापी धर्मघट पई बैठक एकत्र नाट्य अनुष्ठान सदस्य समारोह एवं स्वतंत्र अधिवेशन आयोजित विद्युत विभाग विभिन्न समस्या नहीं वरिष्ठ अधिकारी राउरकेला जागरण मंचर आलोचना राहुल न्याय यात्रा अवसर में कांग्रेस वरिष्ठ नेता सांबादिक सम्मेलन झारसुगुड़ा पहुंचले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ढेंकानाळरु वरिष्ठ नागरिकंक तिरुपति भेलर अभिमुखे यात्रा आरंभ कांग्रेस दलर नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राउरकेला पहुंची रोड शो करिछंती। ए अवसर रे से उदित नगर आंबेडकर छकरु एक शोभायात्रा रे जाई पानपोस छकरे पहुंचीथिले। पानपोस छकरे से केंद्र और राज्य सरकार को समालोचना करिथिले। राहुल कहिछंती ओडिसा रे नवीन पटनायक एवं नरेंद्र मोदी को मिलामिशा रे सरकार चलछे। संसद रे एभली दृश्य देखिथिबा कहिछंती राहुल गांधी। प्रधानमंत्री सहायता मागिले मुख्यमंत्री समर्थन करुछंती। राज्यर 30 लाख लोक दादन खटिबा पई राज्य बाहर को जाउछंती। 30 जन उद्योगपति आसी ओडिशा को लुटिबा को बसछंती। गरीब आदिवासी दलित और पछुआ वर्ग अवहेलित होई रहिथिबा अभियोग आनिछंती राहुल गांधी। ओडिशा रे बहु शिल्प प्रतिष्ठान बंद रहिथिला बेले बेरोजगारी वृद्धि पाइछि। अन्यपटे कांग्रेस लोकंक पई लड़े जारी रखिछि। यहापर राहुल गांधी राजगांगपुर और बड़गांधी सुंदरगढ़ अभिमुखे जाइथिले। यह यात्रा समय रे दलर अनेक वरिष्ठ नेता और विधायक समेत स्थानीय कर्मी और नेता माने उपस्थित थिले। यात्रा समय रे आईन श्रृंखला स्थिति को नियंत्रण करने पई पुलिस और प्रशासन पक्षर आवश्यक व्यवस्था कराजिबा सह राउरकेला रे 20 प्लाटून रु अधिक पुलिस कर्मी और अधिकारी नियोजित करा जायथिला। यात्रा समय रे राहुल को विभिन्न वर्गर व्यक्ति माने शुभेच्छा जणाइथिले। राउरकेला सहर सेक्टर 9 निकटस्थ छक निकटरे कार और ट्रक मध्य दुर्घटना होइछि। ट्रक धक्कारे कार पछपट काच भांगी जाइछि। ए दुर्घटना रे कार थिबा 2 जन आहत होइथिला बेले सुस्थ अछन्ति। घटना संपर्क रे सूचना पाइबा परे प्रथमे छेन थाना रे दुर्घटनाग्रस्त 2टी जाक गाड़ी को अटक रखा जाइथिला। परे घटना संपर्क रे अनुध्यान परे मामलाटी सेक्टर 7 थानार बोली जनापड़ा पर सेक्टर 7 थाना पुलिस मामलार तदंत जारी रखी। जय हिंद ज्वेलरी को आसंतु आ पांतु लो मेकिंग चार्ज लाइफ टाइम सर्विस इजी ईएमआई फ्री ज्वेलरी इंश्योरेंस आउ लाइफ टाइम सर्विस सहित बीआईएस हॉलमार्क थिबा ज्वेलरी तबे आसंतु 72 वर्षर निर्भरजोग्य अनुष्ठान जय हिंद ज्वेलरी मेन रोड राउरकेला। दिन थिला बाउंस व्यवहार घरे घरे बहुल भावरे व्यवहार होउथिला। परवर्ती समय प्लास्टिक रो व्यवहार जोगु एहर चाहिदा धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। प्लास्टिक व्यवहार द्वारा परिवेश दूषित होउछि। तेणु बाउंस तयारी सौखीन सामग्री रो चाहिदा बढ़ाइबा पई न्यू इंडिया स्वच्छासेवी अनुष्ठान संथपुर एवं ओडिशा बाउंस उन्नयन संस्था भुवनेश्वर मिलित सहयोग रे गंदिया एवं पोरुह खोज ग्राम पंचायत 25 जन बाउंस कारीगर को प्रशिक्षण दिया जाइछि। न्यू इंडिया प्रशिक्षण केन्द्र संथपुर ठारे गत मास 28 तारीख रु चलित मास 6 तारीख पर्यंत एकमासिया बाउंस तयारी सौखीन सामग्री प्रशिक्षण कारीगर को दिया जाइथिला।
ଏଥିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ଭାବରେ କଳ୍ପନା ସାହୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଅନିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କିରଣ ବାଳା ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ବଣକୁ ନେଇ ବାଉଁଶ କିପରି କଟା ହେବ ଏବଂ କଟା ହେଉଥିବା ମୂଳର କିପରି ଯତ୍ନ ନେଲେ ମୂଳରେ ଭଲ କୁଆଁ ବାହାରିବ ବତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାରେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦକ ଶେଷଦେବ ରାଉତ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ କାରିଗର କିପରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିପରି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପ କିପରି ଗନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସ 16 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସିଆଇଟିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଧର୍ମଘଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସିଆଇଟିୟୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଭା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସାମୟିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଶ୍ରମିକ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଆଇଟିୟୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅଲି, ବିମାନ ମାଇତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସିଆଇଟିୟୁ ସହବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦାବି ସମୂହ 21 ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା କୃଷକମାନଙ୍କର ଲାଭଜନକ ଫସଲ କେମିତି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 4 କୋର୍ଟରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କେମିତି କମ୍ କରିବା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ହୁ ହେଇକିରି ବଢ଼ୁଛି, ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 16 ଦିନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ସେଦିନ ଚାଷକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବା କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଘରଦ୍ୱାର ତିଆରି ହେଉଥାଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେ ଘରଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ଥାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଦୋକାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ବିଶେଷ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା CI2 ଏ କଥାକୁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସେଦିନ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ୟାକୁ ସମୂହ ରୂପେ କେମିତି ଇଏ କରାଯିବ, ସଫଳ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। 16 ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ବନ୍ଦ, ସେଥିରେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଯୁବ, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ 21 ଦଫା ଦାବିରେ ଦାବି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ଶ୍ରମ କୋଡ଼, 4 ଶ୍ରମ କୋଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ଦରକାର। ସ୍କିମ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଏବଂ ୱାର୍କର୍ର ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏମାନେ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି ତାକୁ କମେଇବା ଦରକାର। ବେକାରୀ ଚାକିରିମାନଙ୍କ ଏତେ ବେକାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ,
ये खाली कागज कलम टीवी रे चली जदि सठिक भाव में देखिए आज दिन में गाँ गाँव बेकारी बढ़ी सहर से बेकारी बढ़ुची कौन सी इंडस्ट्री निजुक्ति ना श्रमिक मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होती आम जोटा कर गाँ गाँव में प्रचार को करूँ एवं माइंस अंचल सुंदरगढ़ जिले में टोटाल बंद रे अंचल गाँ गुड़ी बंद रमर कुलुंगा इंडस्ट्रियल अंचल कुआरमुंडा इंडस्ट्रियल अंचल एवं जो ओसीएल अंचल से सैड संपूर्ण बंद राउरकेला ये आम जो हम स्टॉक यार्ड बंद हम परिवहन संपूर्ण रूपे बंद रो पर अच्छी संपूर्ण रूपे आम बंद करूँ ता सहित जोटा अच्छी जे राउरकेला स्टील प्लांट जो श्रमिक मैंने जो मैंने अलग समस्त को निवेदन करूँ से आम राउरकेला स्टील प्लांट आम विक्षोभ प्रदर्शन करूँ ये भाव में या करूँ ये प्रचारटा एक दफा दाबी प्रचारटा आम लोकों पाखे गाँ गाँ घर घर बुलिक राउरकेला सहर 25 नाट्य अनुष्ठान को नहीं गठित एकत्र परिवार पक्षर सेक्टर 8 ठारे अनुष्ठान सदस्य समारोह एवं स्वतंत्र अधिवेशन आयोजित हो जाएछि। अनुष्ठान सभापति तथा वरिष्ठ संगठक राजीव पाणी अध्यक्षतार होता एक कार्यक्रम विभिन्न वर्गर कलाकार तथा एकत्र अनुष्ठान सदस्य मैंने जोगदे वरिष्ठ श्रमिक नेता विष्णु महांति एवं पूर्वतन विधायक जर्ज तिर्की प्रमुख स्वतंत्र अतिथि भाव जोगदे। राउरकेला विद्युत विभाग विभिन्न समस्या नहीं राउरकेला जागरण मंच पक्षर टाटा पावर वरिष्ठ अधिकारी आलोचना कर जागरण मंचर अध्यक्ष अमिताभ सामल नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडली मुख्यतः विद्युत काट संपर्क आलोचना करते विद्युत जोगाण रक्षणबेक्षण पर नियमित व्यवधान में 6-7 घंटा विद्युत काट होता अभियोग हो यहाँ सुव्यवस्थित करने को मंच पक्षर दावी करा छड़ा आग को ग्रीष्म ऋतु आसुथवारु राउरकेला सर्वनिम्न 2 ट्रांसफर्मर स्टॉक रे रखा निवेदन उपस्थापन करा समस्या प्रति दृष्टि दिया टाटा पावर लिमिटेड वरिष्ठ अधिकारी कहते यह अवसर में मंच पक्षर एक स्मारक पत्र दि जा अमिताभ सामल प्रेसिडेंट राउरकेला जागरण मंच नुएं राउरकेलावासी जो प्रॉब्लम अच्छे नहीं आज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर टाटा पावर तक देखा करवाक आसलु दुटा दुटा तीन टा प्रॉब्लम अच्छे नहीं कहक आसलू सर्वप्रथम तो आम गोटे बहुत आगुरी राउरकेला जागरण मंच लास्ट 5 पूर्व डिमांड कर गोटे स्टोर कराऊ स्टोर मीनस ट्रांसफर्मर स्टोर जोटा राजमपुर अच्छी तो मानने किसी दिन पूर्व स्टोर राउरकेला करागला तो धन्यवाद भी देलु आगे ये कहुई कि आगे खरा दिन आसूसी जमीती भी एडी ट्रांसफर्मर गोटे गोटे डिजन में कम से कम आटलिस्ट दी दुटा ट्रांसफर्मर रो कि राति अदर कौन सी ट्रांसफर्मर जलीगला या किसी गरम दिन तो यहाँ हम तो सैटा इमिडियेटली लगे पार जहाद्वारा राउरकेलावासी असुविधार सम्मुखीन हे सागे सागे आउ गोटे आमर जो पावर कट हो मानने काम करने नौ सका 8-5 तो सेटा OPTCL सांगे कनेक्शन करी या तांकर सहित कथबार्ता है गोटे दिन करूँ जहाद्वारा दीदी थर मसर दीदी थर सका 8-5 पर्यटन पावर कट न हो तो से कहक आसीलु कि यहाँ शेड्यूल रखत आउ प्लस तांगे आहरी भी बहुत जन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोब्लम अच्छी सी भी प्रोब्लम गुड़ा जनइले कि कौन हो तो आम भी निश्चिंत तरफ राउरकेला जागरण मंच तरफ भी सहयोग रही जहाँ टाटा पावर करा चाहिए यदि भल कम राउरकेलावासी इलेक्ट्रिक उन्नति आम से सहयोग करा भी कही प्लस ये दुटा डिमांड भी आम कर इमिडिएटली यहाँ को आप समाधान करा जाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उपलक्षे राउरकेला सांबादिक सम्मेलनी करी उभय बीजेपी और बीजेडी सरकार को टार्गेट करिछंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश से कहते बीजेपी और बीजेडी मध्य कौनसी फरक नहीं दुहे गोटे मुद्रार 2 पार्श्व जयराम आहुरी मध्य कहते देश को मोदी सरकार बिकवे लगी बंदर ठार आरंभ करी कलकारखाना को घरे कंपनी हाथ को टेकी सारे जदि मोदी सरकार तृतीय थर सरकार आसे तेबे से राउरकेला को भी बिकिदे
ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ସରକାର କେବେ ବି ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠାଇନି, ବରଂ ପରୋକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ରମେଶ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ଯୁବ ନେତା କହ୍ନେୟା କୁମାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କି ଶୁରୁଆତ ଏକ ଐତିହାସିକ ସହର ସେ ହୁଇ, ଯୋ ସହର ହମାରେ ଦେଶ କେ ଆର୍ଥିକ ଇତିହାସ ମେ ଏକ ବିଶେଷ महत्व रखता है और जहां 1950 के दशक में एक पहला मील पत्थर हमारे देश के उद्योगीकरण का रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। रुड़केला दुनिया भर में मशहूर है। रुड़केला को हमें तब के पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रिया से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली और जब हम भारत की उद्योगीकरण की बात करते हैं, भिलाई, रुड़केला, बोकारो, हीराकुद, भाकरा नंगल, दुर्गापुर, ये सब मील पत्थर है। 1950 और 1960 के दशक में पब्लिक सेक्टर ने हमारे देश को बनाया। इस्पात के कारखाने लगाए गए, फर्टिलाइजर के फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े बांध, हीराकुद जैसे बांध बनाए गए, तेल की रिफाइनरियां लगाई गई, बाद में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री, मिसाल के तौर से नालको जो उड़ीसा की शान है वो भी बनाया गया, तालचेर जैसे जगहों में एनटीपीसी के पावर प्लांट लगाए गए और आज ये सब खतरे में है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत और नीति एक ही है, सबको बेच डालो। कांग्रेस ने देश बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने में लगे हुए हैं और किसको बेच रहे हैं? एक या दो चुने हुए दोस्त पूंजीपति, सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह, सारे इस्पात के फैक्ट्री, सारे रेल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर प्रधानमंत्री लौट आएंगे तीसरी बार, रुड़केला को भी बेचा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। नालको भी को भी बेचा जाएगा और इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी क्योंकि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, पी और डी, बस बीजे कॉमन है, एक में पी है, एक में डी है, एक्चुअली एक में डबल पी है, पी एंड पी। आप जानते हैं वो दो पी कौन है जो उड़ीसा चला रहे हैं आज, जिसके नाम पर एक पी चला रहे हैं दूसरे पी के बारे में। बीजेपी को बीजेडी पूरा समर्थन देती है, दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। जब भी मैं जाता हूं बीजेडी से बात करने के लिए, वो कहते हैं हाथ जोड़कर, माफ कीजिए हमें भुवनेश्वर से आदेश आया है, हमें मोदी जी का समर्थन करना है। किसी के बिल में, किसी भी चर्चा में कभी बीजेडी ने कोई आलोचना नहीं की है मोदी सरकार की। तो बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। यही तो राहुल जी ने आज सुबह कहा, जो पांच न्याय हैं जो राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कहा है उसके बारे में कुछ कहें, और खास तौर से युवा न्याय जो इस पांच न्याय का एक अंग है।
गजानन वैरायटी स्टोर, ए हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल एंड साड़ीज, जेंट्स लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमोन, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग, शर्टिंग, केलर, लोमेन, इंटरग्रिटी, ड्यूक, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। मोबाइल नंबर। झारसुगुड़ा पहुंचले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रार 7 तारीखें ओडिशारे द्वितीय दिन थिला बेले बुधवार संध्या समय झारसुगुड़ा रे पहुंची। तेबे राहुल गांधी आगमन एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को नहीं कांग्रेस शिविर चलचंचल हो उठी। राहुल गांधी एवं अन्य कांग्रेस नेता रात्रि जापन पर अमरीपाली ठेरे स्वतंत्र टेन्टर व्यवस्था कर राहुल गांधी सहित कन्हैया कुमार एवं ओडिशा कांग्रेस राज्य प्रभारी अजय कुमार पहुंची बेले राज्यर अनेक छामु नेता पहुंची। अन्यपटे 8 फेब्रुआरी दिन सका 8 समय झारसुगुड़ा पुराणा बसस्टाण छक महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति श्रद्धासुमन अर्पण करने रोड शो झारसुगुड़ा सहर बेहरा माल पर्यंत आसवे। तापर ब्रजराज नगर गांधी छक, बेलपहाड़, महिमा छक, लखनपुर पांच गाँ दे छत्तीसगढ़ सीमांत कनक तोरा पर्यंत जीवार कार्यक्रम रही। देखु राहुल गांधी आज आसिले झारसुगुड़ा जिला तरफ़ नाच गीत जोरदार स्वागत करागला एवं आसंता काली आज संध्या निष्पत्ति नि कौन कौन कार्यक्रम एवं कल की पब्लिक एड्रेस पब्लिक ये रिसेप्शन करेंगे गांधी छक रिसेप्शन देबे एवं आपणकर बेलपहाड़े पब्लिक मीटिंग हबो एवं ता सहित आमर विभिन्न जगार विभिन्न कार्यक्रम रही कि बेलपहाड़े जोरदार रिसेप्शन देकर गोटे पब्लिक एड्रेस करेंगे। महिमा छक, महिमा छक, महिमा छक, गांधी छक भी आम लोकवाग आसो से संवर्धना दिजा से भी गोटे से खुशी जमी कर जानते ये इंडस्ट्री एरिया ये स्थानीय पिला निजुक्ति नहीं निजुक्ति नहीं आदिवासी दलित गरीब लोकंर जमी जबरदस्त निबरदस्त निठे अन्याय अत्याचार जोरदार चली कौन सी लोक गरीब लोक बचार अधिकार नहीं चाषी बचार अधिकार नहीं आदिवासी दलित जमी जोटा अच्छी एफआईआर जमी जोटा दबा कथा सरकार आदिवासी मानक दौना ये आदिवासी अंचल ए आदिवासी अंचल जहाँ शोषण करने कथा कर इंडस्ट्री एरिया करपूर शक्ति शक्ति अभाव ना शक्ति अभाव ना भरपूर शक्ति लोक केमती को न्याय जीव लोक मानक राहुल गांधी से प्रयास अच्छा से चिंतित अच्छा। वरिष्ठ नागरिकों तीर्थयात्रा योजना अनुजाई ढेंकानाल जिलार 111 जन वरिष्ठ तीर्थयात्री जिलापाल कार्यालय सम्मुखरु तिरुपति भेलर अभिमुखे तीर्थयात्रार शुभारंभ करिछंती। एथरे ढेंकानाल जिला समेत पुरी, खोर्धा, कटक, जगत सिंहपुर एवं केन्द्रापड़ार तीर्थयात्री माने मध्य तिरुपति भेलर जिबा पई निज निज जिलारु यात्रा आरंभ करिछंती। एही तीर्थयात्री माने गुरुवार भुवनेश्वर रेल स्टेशन रु तिरुपति अभिमुखे करिबाकु थिबा यात्रा को मुख्यमंत्री उद्घाटन करिबे। ढेंकानाल जिलारु बाहरि थिबा यात्रा को जिला परिषद अध्यक्षा अर्चना पुहाण, जिलापाल मनोरंजन मल्लिक, सांसदों प्रतिनिधि,
ନୀଳ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଧିକାରୀ ଜଗଦୀଶ ରାୟ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତିରୁପତି ଆଉ ଅତି ବସରେ ଯାଉଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ଅସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସାହୁ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ପଙ୍ଗାତିର ଥାନା ମହାବୀର ଟେଙ୍କା। ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟରୁ ଯାଉଛୁ ତିରୁପତି ଆଉ ଭେଲୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କୋଇଲି ପରିଡ଼ା କମ ଢେଙ୍କାନାଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ କେତେ ଦିନ ହେବ? ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ 111 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ଗଲେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ ଭେଲୋର ଏବଂ ତିରୁପତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ସେମାନେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ